पीयू को केंद्रीय वीवी का दर्जा नहीं मिलने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी से पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग की, लेकिन पीएम ने नीतीश को मूर्ख बना दिया। पीयू को केंद्रीय वीवी का दर्जा नहीं मिलने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। तिवारी ने कहा कि नीतीश महागठबंधन तोड़कर नरेंद्र मोदी की गोद में गए हैं, अब बीजेपी नीतीश से पुराना बदला निकाल रही है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर छिटपुटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश ने अपने पद की गरिमा गिराने का काम किया है। तेज ने कहा कि उन्हें ऐसा घर आवंटित किया गया है जहां बकरी और गाय बांधे जाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार जिस तरह से पीएम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, उससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा का हनन हुआ है। पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलने पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता तगड़ा वार कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार के बचाव में बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को लेकर उनकी उम्मीद बरकरार है। जहां तक विपक्ष की बात है, उसका आदर्श तो चरवाहा विश्वविद्यालय रहा है, इसीलिए क्या समझेंगे शिक्षा। नीरज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री निराश नहीं करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बयान दिया था कि वो पीयू के शताब्दी समारोह में बुलाने के बावजूद नहीं आते। लालू के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने जवाब दिया है। संजय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद पीयू में आते तो अपने पुराने मित्रों को क्या जवाब देते, कैसे घोटाला किया। केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार पैकेज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में 55,000 करोड़ की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का एक एक काम समय पर पूरा कर देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटना में विराट हिंदुस्तान संगम में शिरकत की। इस मौके पर स्वामी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगली दिवाली से पहले हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया कि तानाशाही, जुमलेबाजी और अहंकार की करारी हार की बधाई, काश वो वहां इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी को लगाकर चुनाव जीत सकते। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सभी राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएनएसपी ने गांधी मैदान में शिक्षा सुधार महासम्मेलन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी शिरकत की। कुशवाहा ने शिक्षा के हालात में सुधार पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षा सुधार महासम्मेलन का आयोजन किया। वहीं कुशवाहा के इस कदम की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सराहना की। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी का नीतीश सरकार की विध्वंसकारी शिक्षा नीतियों के विरुद्ध आंदोलन सराहनीय कदम है।